सत्यानाश। हम सुबह से कह रहे थे चावल बिखर जाएंगे बिखर जाएंगे बिखर जाएंगे, लो बिखर गए। तुम इतनी बार ना कहती कि बिखर जाएंगे तो शायद ना बिखरते। हंस लो, खुद सज लई, घर सजा दियो, पर ये न हुआ राजकुमारियन से कि चावल का कनस्तर उठा के अंदर रख दो। ए! अरे दादाजी, नानी आप। खुश रहो बेटा, खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बेटा तैयार नहीं हुई अब तक? एक्चुअली ये मेरी ड्रेस जल गई है। जल गए? ऐसा कैसे जल गए बेटा? इट्स ओके, अभी कुछ और पहन लो। ओके, अरे नहीं नहीं बैठिए, आप लोगों को मैदा अलाउड नहीं है ना, इसलिए नो पिज्जा, सॉरी। लेकिन मैंने बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनाई है, बिल्कुल आप लोगों के स्टाइल की। जीती रहे, जीती रहे। अरे आप दोनों पूरा दिन एक टांग पर खड़ी रहती है, काम करती रहती है, बैठिए। बैठो बहन। ये लीजिए। आयशा, तुम भी कुछ खा लो। खा लूंगी, वैसे भी मुझे खाने से ज्यादा खिलाने में मजा आता है। वो तो है। ताई जी, इन्हें आशीर्वाद दे दो आपका वाला, दूध भाव पटा पटा। चुप, बिना रियासत के प्रिंस, जब बोलेगो उल्टो ही बोलेगो। अरे बेटा, दूधो नहाओ पूतो फलो। बस अब हमारे लल्ला के लाने भी कोई लड़की मिल जाए तेरे जैसी तो राधे राधे। पर वो तो नहीं हो सकता क्योंकि आयशा एक ही थी और वो मुझे मिल गई। अरे जय, हमारे लल्ला के लाने कोई तो बनी होगी। यात्रा की यात्रा करके बहुत थक गए हैं, तो हम अपने कमरे में जाके दवाई खा के थोड़ा आराम कर लेते हैं, सोचा था। हाँ भाई, हम भी चलते हैं, सोने का वक्त हो गया। ठीक है अम्मा जी, बाय। एक सेकेंड, सबके दो दो स्लाइस थे ना, तो स्लाइस कम कैसे हो गए? इधर तो तीन होना चाहिए। तुम्हें भूख लगी होगी ना, जल्दी से ये खा लो। जी, किंतु हमें पहले लघुशंका। कितनी सुंदर भाषा है, सदियां हो गई ऐसी भाषा सुने। सादा जीवन, उच्च विचार, उत्तम बोली, निर्विकार। बेटा पीछे कमरा है ना, उसमें। जी पुत्री, वो पीछे कक्ष है ना। जी, उसमें गुसल खाना है, वहां जाओ, हम बाहर खड़े रहकर ध्यान रखेंगे कोई आ नहीं पाए। जी ठीक
ये कैसा जलवहीन कुंड है? जल मुख प्रक्षालन कैसे करेंगे हम? अवश्य इस पात्र में जल होगा। कितनी ठोस भूमि है, गढ़ रही है। ये किस पुरुष के कक्ष में फंस गए हैं हम? ये क्या कर रहे हैं भगवान आप? ऐसे निर्लज्ज नहीं है हम कि किसी निर्वस्त्र होते पुरुष के कक्ष में रात बिताए अकेले? ये कैसी परीक्षा है? हमारे कमरे में बाहर से बहुत तेज गंध आ रही है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब बेचारी लाचार बुढ़िया कहाँ जाए, कहाँ सोए? अगर कोई अपने कमरे में सुला ले, शरण दे दे, तो हमारा जीवन बच सकता है। और हम तो सोते में घर्राटे भी नहीं लेते हैं। नानी, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं, चाहिए सो जाइए। तुम्हें तकलीफ होगी। वो तो होगी, अब एक लाचार बूढ़ी और कहाँ जाएगी? जाइए, सो जाइए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। नानी, इधर इधर सोइए ना। दीदी बेटा, मैं ठीक हूँ। ठीक है, आपकी इच्छा। जैसे ही ध्रुव सो जाएगा, मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊंगी। कल सुबह इसे सबसे मिलवा दूंगी। कहूंगी कि ये मेरे गांव की सहेली की बेटी है, कुछ दिन साथ रहेगी, फिर देखा जाएगा।
ये तो सो गई, अब हम अकेले कैसे बाहर जाए? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.